जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में आज हम लोग कला एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे। कला एवं संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के जो मुगल बादशाह हैं उसके बारे में देखेंगे, उनके मकबरों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हुमायूं का मकबरा। आप जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। और इसके निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। दूसरा पॉइंट याद रखना है, हुमायूं के मकबरे की विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। हुमायूं के मकबरे की पहली विशेषता ये है कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है इसकी तुलना ताजमहल से की जाती है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं का जो मकबरा है ये लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। साथ ही साथ ये जो हुमायूं का मकबरा है ये चार बाग शैली में निर्मित है। और दूसरा पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करना है, हुमायूं का जो मकबरा है ये दोहरी गुंबद युक्त पहला मकबरा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में बनने वाला पहला दोहरी गुंबद वाला मकबरा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा। क्योंकि जब हुमायूं के मकबरे को बनाया गया तो इसमें जो गुंबद बनाई गई वो डबल गुंबद में बनाई गई, तो इसीलिए ये भारत का पहला दोहरी गुंबद वाला मकबरा है जो है हुमायूं का मकबरा। इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा आप जानते हैं कि ये आगरा में है, और आगरा में भी कहाँ दोस्तों? सिकंदरा में। तो एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए आगरा, और आगरा में भी कहाँ? सिकंदरा में। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो अकबर का मकबरा है इसका निर्माण सबसे पहले अकबर ने करवाया था, फिर उसके बाद जहांगीर ने करवाया था। यानी कि अकबर ने अपने मकबरे की बनवाने की शुरुआत खुद करी थी और उसको पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। तो इसको नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप जानते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत किसने की थी? ऐबक ने। लेकिन उसको पूर्ण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा, इल्तुतमिश ने। उसी तरीके से अकबर के मकबरे की बनवाने की शुरुआत जो थी वो अकबर ने की थी और इसको पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। अकबर के मकबरे की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसके मकबरे की विशेषता है ये जो इसकी छत है ये सपाट एवं समतल है। और दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो गुंबद बनाई गई है वो दोस्तों गुंबद विहीन है, यानी कि अकबर के मकबरे पर गुंबद नहीं बनाई गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह मकबरा कौन सा है जो गुंबद विहीन है, तो ध्यान रखिएगा, अकबर का मकबरा। अगला देखेंगे शाहजहां का तख्ते ए ताऊत, या इसी को मयूर सिंहासन कहते हैं। आप जानते हैं कि जो तख्ते ए ताऊत या मयूर सिंहासन जो है ये दोस्तों स्वर्ण जवाहरत हीरे कोहिनूर हीरे से बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मयूर सिंहासन था इसके सोने चांदी एवं कोहिनूर हीरे से बनाया गया था। और इसको बनवाया किसने था? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने। तो एग्जाम में पूछा जाए कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। और इसके शिल्पीकार कौन थे? तो बे बादल खां। ये पूछा गया है कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत के शिल्पीकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बे बादल खां। अगला पॉइंट नोट करना है, ये जो मयूर सिंहासन है इस सिंहासन को 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लूटकर ले गया। तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि मयूर सिंहासन को कब लूट कर ले गया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1739 में। कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। और ये ईरानी आक्रमणकारी था।
अगला पॉइंट देखेंगे, इतिहास से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। यहाँ पर आप देखेंगे अकबर कालीन साहित्य। अकबर कालीन साहित्य में जैसे कि आप देखेंगे अकबरनामा, आपको पता है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा के लेखक जो थे वो अबुल फजल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा अबुल फजल। अकबरनामा की भाषा क्या थी? तो फारसी थी, इसको फारसी भाषा में लिखा गया। श्रेणी क्या है दोस्तों? ये जो अकबरनामा है ये दोस्तों एक जीवनी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबरनामा जीवनी है या आत्मकथा है या नाटक है, तो ध्यान रखिएगा अकबरनामा जीवनी है। अकबरनामा को लिखने में कितना समय लगा? तो ध्यान रखिएगा 7 वर्षों का, क्योंकि 7 वर्षों में इसको पूरा किया गया था। अकबरनामा में कुल कितने भाग हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं ये भी पता होना चाहिए, लेकिन अंतिम भाग कौन था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबरनामा में जो अंतिम भाग था वो था दोस्तों आईने अकबरी। आईने अकबरी में दोस्तों ये भाग 5 थे और लेखक इसके फैजी थे। तो एग्जाम में पूछा जाए कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा फैजी। कितने भाग थे? 5। आईने अकबरी जो था वो अकबरनामा के किस भाग में आता है? तो 3रे भाग में, यानी कि अंतिम भाग में। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखेंगे जहांगीर कालीन साहित्य। आप जानते हैं कि जहांगीर कालीन साहित्य में जहांगीर नामा लिखा गया। जहांगीर नामा दोस्तों इसे तुजुक ए जहरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहांगीरी नामा जो है ये दोस्तों एक आत्मकथा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरी नामा ये क्या है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा ये एक आत्मकथा है जो जहांगीरी ने खुद लिखा था। उसके बाद जहांगीर नामा के अगर आप लेखक देखेंगे तो इसके दोस्तों 3 लेखक थे। सबसे पहले तो जहांगीर नामा को सबसे पहले जहांगीर ने ही लिखा था, क्योंकि इसने शुरुआत के 12 वर्षों का वर्णन जो है जहांगीर के द्वारा की गई थी। लेकिन आगे चल के एक और लेखक आए, मोतबी खा। मोतबी खा ने 12 वर्षों के बाद का जो भी आगे का घटना था उसको लिखा था। उसके बाद एक और आए थे मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने जहांगीर नामा को पूरा कर दिया। तो इसमें 3 लोगों का हाथ है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है, इसके भी नाम याद रखेंगे। अगला देखेंगे इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसकी है? नाम से ही पता चल रहा है जहांगीर की, लेकिन इसके लेखक कौन थे ये ध्यान रखना है। इकबाल नामा जहांगीर के लेखक जो थे ये दोस्तों मोतवी खा थे। मोतवी खा ने ही इकबाल नामा जहांगीर को लिखा था, और इसमें वर्णन क्या किया गया है ये ध्यान रखेंगे। इकबाल नामा में नूर जहां को लिखा गया है, नूर जहां के द्वारा जो भी घटनाएं थी उसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें मोहब्बत खां के विद्रोह के बारे में लिखा गया है, और साथ ही साथ एतमादुद्दौला के भ्रष्टाचार के बारे में भी लिखा गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एतमादुद्दौला के भ्रष्टाचार को किसमें लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा इकबाल नामा ए जहांगीर में। नूर जहां के युग को भी इकबाल नामा में लिखा गया है, और महावत खां के विद्रोह के बारे में भी इसी इकबाल नामा जहांगीर में लिखा गया है। लेकिन इन सबके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा मौतवी खां। तो ये दोस्तों इतिहास की कुछ प्रमुख कला एवं संस्कृतियां थी जो हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।